किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद सोलन में राकेश शर्मा का पहली बार आगमन हुआ। सोलन पहुंचने पर भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर इंद्र सिंह मेहता, धर्मेंद्र ठाकुर, कुमारी शीला, संजीव सूत, लक्ष्मी विशेष रूप से उपस्थित रहे। राकेश शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी आने वाले समय में क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी, वह किस तरह से हिमाचल के किसानों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे और किस तरह से किसानों की आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे ताकि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि जो सपना देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। केंद्र और प्रदेश के किसान कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव किसानों तक पहुंचाएंगे ताकि प्रदेश के किसान उनका फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के किसान बेहद समृद्ध है, तो उनकी तर्ज पर ही हिमाचल के किसानों के लिए योजनाएं निकाली जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल का जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी में केसर और हींग की खेती हो सकती है, इसलिए यहां के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीक और आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के युवा किसानों को वे अपने साथ जोड़ेंगे और उन्हें खेती करने की नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी देंगे ताकि हिमाचल की आर्थिकी और सुदृढ़ हो सके। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इजराइल के साथ और जहां जहां ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जहां पर कृषि प्राथमिकता है और वहाँ के किसान खुशहाल और समृद्ध हैं, हिमाचल प्रदेश में भी खुशहाली के लिए और समृद्धि के लिए किसानों को नई योजनाएं शुरू होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने यह भी मांग की है कि अभी जो रिसर्च हुआ है उसमें हिमाचल का जो हमारा जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, इन क्षेत्रों में केसर और हींग की खेती हो सकती है, ऐसा अभी जो रिसर्च हुआ है, हमने मांग की है कि यहाँ की आमदनी बढ़ाने के लिए इस रिसर्च के आधार पर वहाँ के किसानों को आर्थिक सहायता देते हुए इस नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में जो हम नए और युवा किसानों को साथ जोड़ेंगे, उनका प्रशिक्षण प्रदेश स्तर पर भी हो और हमारे जो दो विश्वविद्यालय पालमपुर में कृषि के नाते और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सोलन में नौनी में बागवानी के लिए जो विश्वविद्यालय हैं, उनके ऊपर भी जो रिसर्च, जितनी उनकी रिसर्च की आउटपुट है, उसका लाभ गांव के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को उसका लाभ मिले, उन्नत किस्म के बीज वहां के किसानों और बागवानों को मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर, और दूसरा जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है पिछले लगातार 4 वर्षों से कि हमारे इस देश के किसान, जिनके कारण इस सारे देश का, सभी लोगों का जो जय जवान जय किसान का नारा था, उसमें किसानों का भी आर्थिक ढांचा मजबूत होना चाहिए देश की समृद्धि के साथ। तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, वो गांव-गांव तक पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर उन नीतियों को किसान तक पहुँचाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।